आदरणीय देवेंद्र जी जोशी, आदरणीय अशोक जी सक्सेना साहब, आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर सूरज सिंह जी नेगी साहब का बहुत बहुत साधुवाद। जन सरोकार मंच टॉक के द्वारा आज इस लाइव कार्यक्रम के तहत आदरणीय डॉक्टर लता अग्रवाल कहानीकार, जिनकी कहानी झुरी भरे चेहरे पर मुस्कान की समीक्षा छात्रा प्रेरणा पहाड़िया कक्षा 10 स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल टोडराय सिंह द्वारा की जा रही है। आप सभी का इस लाइव कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। प्रेरणा पहाड़िया अब अपनी कहानी समीक्षा सुनाए। आदरणीय वरिष्ठ साहित्यकार एवं प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर सूरज सिंह नेगी द्वारा संकलित पुस्तक सांझ के दीप कहानी झुर्री भरे चेहरे पर मुस्कान से साहित्यकार डॉक्टर लता अग्रवाल। समीक्षा। झुर्री भरे चेहरे पर मुस्कान। इस कहानी के मुख्य पात्र डॉक्टर निखिल, निखिल की माँ, उनकी बहन सुमी और शिवानी, शिवानी के पति भागवत जी। इस कहानी में एक नया नया डॉक्टर है और उसे एक दिन की छुट्टी मिलती है। वह उस छुट्टी को परिवार के साथ बिताना चाहता है, मगर उनके पड़ोसी भागवत जी घर पर आते हैं और डॉक्टर निखिल को आवाज मारते हैं, लेकिन निखिल भागवत जी को भूल ही गया था जैसे। तो फिर निखिल उसकी माँ से थोड़ी पूछताछ करता है कि माँ ये कौन है, किधर रहते हैं, पड़ोस में रहते हैं क्या। फिर जैसे ऐसे बातें करते करते वो भागवत जी के साथ बाहर निकल जाता है और थोड़ी दूर चलते ही भागवत जी का बंगला आ जाता है। तो उस बंगले को देखकर डॉक्टर निखिल को अपनी बचपन की अठखेलियां याद आती है। तो फिर वो भागवत जी को बोलता है कि ये तो मैंने देखा हुआ है, यहाँ तो मैं बहुत खेलता था। फिर वो जैसे अंदर चला जाता है, फिर मिसेस भागवत जी रूम में लेटी हुई थी बेड पे। फिर जो उनके बाल थे वो बिखर रहे कहते हैं। फिर वो बोला डॉक्टर निखिल कि अंकल आंटी को क्या हुआ है। तो भागवत जी बोलते हैं कि बेटा ये किसी से नहीं बोलती, बिल्कुल चुपचाप रहती है। और फिर उनकी डॉक्टर निखिल उनकी फैमिली के बारे में पूछता है। तो भागवत जी बोलते हैं कि मेरे दो बेटे हैं, रोहित और राहुल, वो दोनों ही विदेश में नौकरी करते हैं। और जो अब मेरा पहला बेटा हुआ रोहित, तो ये जो मेरी पत्नी है शिवानी, उसने ना इसके पैदा होते ही MSc गोल्ड मेडलिस्ट की जो छोड़ दी थी। फिर वो रोहित की परवरिश में लग गई थी। फिर रोहित की परवरिश में लग के उसकी पढ़ाई से लेकर छोटी मोटी बात तक चिंतित रहती थी। और फिर जैसे तैसे उनके दोनों बेटे बड़े हुए। फिर उन्होंने ना उनकी शादी के सपने सजा रखे थे कि मेरे बहू आएगी। फिर वो बड़े होते विदेश में नौकरी करने चले जाते हैं और विदेश में ही अपनी दुनिया बना लेते हैं, विदेश की लड़कियों से शादी करके। तो फिर वो शिवानी थी, उनको जो ये बहुत ही दुखाए जा रहा था कि मेरा बेटा विदेश में शादी कर लिया। तो जैसे तैसे करके डॉक्टर निखिल इस बात को समझता है। तो वो उसे पता लगता है कि इनको गम की बीमारी है। फिर डॉक्टर निखिल बोलता है कि आंटी आपके पास फोन तो होगा ही। तो फिर भागवत जी फोन निकाल के झट से दे देते हैं। फिर वो निखिल उसके अंदर एक ऐप डाउनलोड करता है, उसके अंदर देश विदेश के लोग लाइव आते हैं। फिर वो जो लाइव देश विदेश के लोग टिप्स देते हैं एक दूसरे को। और थोड़े दिनों बाद ही मिसेस भागवत जी भी लाइव जाने लगी और बड़े से छोटो लेके छोटो तक की तबीयत के बारे में टिप्स देने लगी। और उनके उनकी झुर्री भरे चेहरे पे डॉक्टर निखिल ने वापस मुस्कान लौटा दी और वो अब खुश जी, रहते हैं। बहुत बहुत अच्छा प्रेरणा, बहुत अच्छा। अब आपका पहला सवाल क्या है, पूछें। इस कहानी में मेरा ये सवाल है कि जो ये दोनों बेटे थे ये वापस आए अपनी माँ के पास, जो रोहित और राहुल थे वो वापस आ पाए क्या भारत में? अब नहीं, कहानी अपने वही छोड़ दी। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल होना चाहिए, और केवल होना नहीं चाहिए। मैं तो तुमसे ये कहूंगी कि मैंने तो कहानी यहाँ तक खत्म कर दी,
लेकिन तुमने जितने अच्छे से कहानी की समीक्षा की है तो मैं चाहूंगी कि उसके आगे का हिस्सा आप उठाओ। आपके मन में क्या आ रहा है कि उनको वापस आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, उन्होंने गलती की है तो उस गलती का उनको अफसोस होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, वो आप एक नई कहानी आप लिखो तो लगेगा कि आपकी ये समीक्षा सार्थक हुई या आपने जो कहानी पढ़ी है वो कहानी का कोई अर्थ निकला। और कहानियां बेटे ऐसे ही रची जाती है कि हम कोई कहानी पढ़ते हैं या हम कोई जीवन में घटनाएं देखते हैं तो उन घटनाओं से प्रभावित होकर फिर हम कहानी लिखते हैं। तो जैसे तुम्हारे मन में ये प्रश्न आ बिल्कुल गया कि तुम बैठे बैठे सोच रही हो या कोई भी सोच सकता है कि क्या वो लोग वापस आए होंगे, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तब हम फिल्म देखते थे और फिल्म में जब हम देखते थे कि कोई हीरो मर गया है तो फिर उन्होंने कहा कि सेकंड शो होता है, तो हम लोग सोचते थे सेकंड शो में क्या वो जीवित हो जाता होगा, फिर से आगे की कहानी होती होगी। तो इस तरह ये जो जिज्ञासा है बहुत अच्छी बात है, जिज्ञासा होनी चाहिए। और ये जिज्ञासा में मैं आपसे कहूंगी कि आप एक कहानी लिखो, आपको क्या लगता है कि उनको वापस आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, या वो लोग उनको वहां पे जाके अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो वापस आए तो उनका व्यवहार कैसा रहा माँ के प्रति और उनके आने से माँ पे क्या प्रभाव पड़ा, ये एक नई कहानी आप लिख सकते हो, है ना? लिखोगे? जी, आदरणीय, हाँ बहुत सुंदर जानकारी दी। अगला सवाल प्रेरणा, बताइए, प्रेरणा अगला सवाल पूछिए। ये जो डॉक्टर निखिल था और इनकी फैमिली एजुकेट सॉरी इनकी फैमिली में जो बहन थी वो बड़ी थी या छोटी थी इनसे? छोटी थी वो वहां पे, अच्छा, क्या कहानी में, यहाँ तो खैर छोटी थी लेकिन कहानी में क्या होता है कि कुछ पात्र होना जरूरी है, क्योंकि हम पात्रों के माध्यम से लेखक अपनी बात बोलता है, पात्र कभी नहीं बोलते हैं, पात्र तो निर्जीव है, कल्पना में हमारे, तो पात्र नहीं बोलते, पात्र के बहाने लेखक बोलता है। तो लेखक को जब लगता है कि उसको अपनी बात आगे बढ़ाना है, उसको कहानी आगे बढ़ाना है, तो वो फौरन एक पात्र गढ़ देता है। अब मुझे यहाँ पर ये दिखाना था कि निखिल का, अब वो माँ तो रसोई में काम कर रही है तो निखिल किससे बात कर रहा होगा, तो उसकी बहन एक तैयार कर दी तो बहन से बात करने लग गया। तो इस तरह कहानियों में कुछ काल्पनिक पात्र भी होते हैं और जिनका कोई महत्व नहीं होता है कि वे छोटे हैं कि बड़े हैं, बस लेखक अपने संवाद को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह के पात्र गढ़ता है। और अच्छा जी, अगला सवाल प्रेमा। मैंने ना एक चित्र बनाया हाँ, चित्र दिखाए अपने। है। अरे वाह, तो बेटी में बीच में चाकू क्यों डाल दिया, मेरा सवाल तुमसे। चाकू? ये चित्र जो भ्रूण हत्या का है, ये बिल्कुल मतलब आजकल तो नहीं, थोड़े कुछ सालों पहले ऐसे बेटियों को मार दिया जाता था पेट में ही, बहुत सुंदर चित्र इसी है। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊं कि शब्दों से ज्यादा चित्र बोलते हैं, हाँ शब्दों से ज्यादा चित्र, एक चित्र 1,000 शब्दों के बराबर मायने रखता है। आपने जो चित्र उतना दिखाया है ना, उस चित्र को देखकर लोग समझ जाएंगे कि ये भ्रूण हत्या पे बना हुआ है। इस पे लोग कल्पना करेंगे कि आपने, हो सकता है अपने आसपास कोई घटना देखी हो या भ्रूण हत्या जो हो रही है वो आपको बहुत अंदर ही अंदर तकलीफ दे रही है, तो आपने अपने भाव निकालने के लिए, लेखक क्या करता है शब्दों के माध्यम से लिखता है, चित्रकार हाँ चित्र के माध्यम से लिखता है, तो आपने अपने चित्र के माध्यम जी से वो व्यथा व्यक्त कर दी, आपको दुख हो रहा है, आप लोगों को दिखाना चाहते हो। जैसे हम मान लो भ्रूण हत्या पे कोई मैंने लिखी है कहानियां, तो हम कहानी लिख के लोगों को बता देते हैं, आप वो चित्र दिखा, हमारी कहानी के लिए तो उसको पढ़ना पड़ेगा 4-5 पेज, लेकिन एक नजर में जी आपका चित्र पूरी बात कह जाता है कि इनको ये चीज तकलीफ दी है या भ्रूण हत्या जो हो रही है वो गलत चीज है। जी सर, हाँ अगला चित्र दिखाएं प्रेरणा पाड़िया, अगला चित्र। पर्यावरण पे, हाँ हाँ ये जी, पृथ्वी दिवस पे बनाया था मैंने। हाँ, पर्यावरण पे है ना चित्र, आ रहा है आपको समझ में कि चित्र के माध्यम से मतलब शब्दों की बचत हो जाती है, और जो भी शिक्षक होता है, जो भी टीचर होता है, जब वो चित्र के माध्यम से ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है तो उसको बोलना कम पड़ता है, वो चित्र उससे ज्यादा बोल जाते हैं।
तो इसलिए चित्रों का अपने आप में बहुत महत्व है ना। तो चित्र जब तुम भी कभी भविष्य में टीचर बनो तो याद रखना कि बच्चों को जब भी पढ़ाओ तो चित्र के माध्यम से पढ़ाओ। तो आपको बहुत ज्यादा बोलना कम, हाँ मेहनत कम लगती है, दूसरी बात है कि चित्र से जो बात बच्चों को समझ में आती है, क्योंकि वो बच्चों को बिठा के उपदेश देके उनके दिमाग में कुछ ठूस देना बात अलग है, और बच्चों को रोचक तरीके से कुछ पढ़ाना, उससे क्या होता है उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, वो अपने आप खुशी से, और जब खुशी से कोई बात अधिग्रहण कर लेते हैं ना तो वो बात लंबे समय तक याद रहती है। तो जब चित्र बच्चों के सामने आता है, चित्र के माध्यम से पढ़ाते हैं, तो वो बच्चे बड़े खुश होकर उन चीजों को सीखते हैं, और जब खुश होकर सीखते हैं तो वो चीजें उन्हें हमेशा याद रहती है। तो चित्र का अपने आप में शिक्षा में बहुत महत्व है। वैसे भी चित्र, जैसे अब तुम चित्र बनाती हो, पढ़ते पढ़ते मान लो ऊब गई, मैं भी चित्र बनाती हूँ, मैंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं और बड़े बड़े चित्र बनाए मैंने, तो यहाँ पे पत्थरों पे चित्र बनाए हैं मैंने, अभी मैं यहाँ बैठी हूँ, नहीं तुम्हें लाके बताती, मेरे अंदर रखे हुए हैं बहुत सारे चित्र, तो पत्थरों पे भी मैंने चित्र बनाए हैं। तो चित्र से क्या होता है कि जैसे अब तुम कुछ काम कर रही हो या पढ़ रही हो, पढ़ते पढ़ते उन्होंने कहा बोर हो गए, थोड़ा सा मूड फ्रेश, और अभी तो इस समय कोरोना है, कोरोना के चक्कर में हम कहीं नहीं जा सकते, तो हम क्या कर सकते, घर में बैठे अगर चित्र बना रहे हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है। चित्र हुआ, संगीत हुआ, ये बच्चे जो पढ़ाई के तनाव में रहते हैं ना उसका बैलेंस करते हैं। तो हमेशा ऐसे शौक बनाए रखना चाहिए, बाहर घूमने की बजाय और या गॉसिप करने की बजाय, ये शौक बहुत अच्छे हैं और मैं बहुत पसंद करती हूँ इस तरह के शौकों। और ये देखो मदर, हाँ थोड़ा इधर करो, थोड़ा और इधर बढ़ाओ, हाँ बिल्कुल ऐसे मैंने भी बहुत बनाए हैं बहुत बनाए, अभी मैं दिखा नहीं पाऊंगी, मेरी डायरी वायरी इधर रखी है, बहुत अच्छे हैं, अच्छे लगते हैं, इस तरह की कल्पनाएं करते रहना चाहिए। मैं तुम्हें कुछ तो चीज नई टिप तो और दे ही दूं कि तुम इस तरह भी कुछ काम कर सकती हो, बताओ। चित्र है क्या कोई? हाँ चित्र हाँ, और भी है क्या? हाँ मैं चित्र बताती हूँ, है ना? हाँ देखो अभी कुछ कुछ तो बताती हूँ, तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पे उससे? अरे यार ये कैसे दिखेगा, ऐसे दिखाऊं? हाँ ये देखो पत्थरों पे, जी जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग, है ना, बहुत सारी चीजें बनाई है मैंने, ये पत्थरों पे चप्पल, थोड़ा इधर आ, इधर दिखा, पत्थर है सुंदर, है ना जी जी, बहुत सारी आदरणीय सुंदर जी जी जी। इसके अलावा ये अपन माता जी वगैरह बनाते हैं ना इस तरह, या हाँ। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, ऐसी बहुत सारी चीजें बनाई है मैंने, ये देखो ये गोबर पे बनता है, गोबर के कंडे आते हैं ना, गोबर के कंडे, जी जी हाँ। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत बहुत सारी चीज, ये देखो वेस्ट से बेस्ट, चकला टूट गया था, थोड़ा इधर दिखाओ मैम, हाँ बहुत सुंदर, ये चकला टूट गया था यहाँ से तो उसको ऐसे बना लिया, मैं वेस्ट से बेस्ट बनाती हूँ, ये इस तरह के पाइप, बहुत जी, सारा जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे काम हम, ये एक शाही की थी ये, अभी मुझे क्या देखी थी तो मैंने कहा क्या यूज है इसका, तो बोले कुछ नहीं हमारे लिए बेकार है, मैंने कहा मुझे दे दो, फिर लैंप बन गया, हाँ जी जी, और ये दिखेगा नहीं थोड़ा सा इधर है, बहुत बहुत सारी चीजें हैं, ये वो आता है पानी का गीजर आता है उसके वॉल में, ये हाँ। उसपे बनाई, जी जी
बहुत सारी बहुत चीजें इतना हैं, सुंदर है, बहुत बहुत ही अलमारी भरी पड़ी है मेरी। साधुवाद आदरणीय, आपने शानदार चित्र दिखाए जी जी एक ये देखिए, ये शूज, जी जी बहुत बढ़िया। और भी जो बॉटलें पड़ी रहती हैं, बॉटल का कुछ ऐसे अलग 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 चीजें हम प्रयोग कर बहुत सकते अच्छा हैं। बनाया आपने, ये देखो बॉटल है ना, बॉटल जी बहुत बहुत सुंदर ऐसे वेस्ट चीजों से अच्छी अच्छी चीजें बनाएं और बढ़िया अपना समय पास करें। जी। अगला चित्र प्रेरणा पाड़िया दिखाएं। हाँ जी प्रेरणा, अगला चित्र दिखाएं प्रेरणा। थोड़ा सा इधर करो बेटा पास, एक मिनट रुको मैं। हाँ 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 थोड़ा सा इसको अब दिखेगा। हाँ छुट्टिया दिवस पे बनाया नहीं, सेव वोटर मतलब ऐसे कुछ काम नहीं था तो ऐसे बैठे बैठे बना लिया मैंने सेव वोटर पे। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा लग रहा है। कला और हमेशा, हाँ ये भी रुको एक मिनट, थोड़ा इधर दिखाओ। अपने साथ जुड़ी है मीना जी, कह रही है कि कला बहुत अच्छी चीज है, चित्र बनाना एक कला है और ये सुंदरता मन को आकर्षित करती है। बिल्कुल मीना जी, हाँ मीना जी को बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे चित्र, और इसी तरह अपनी प्रैक्टिस जारी रखो तो बहुत अच्छा बना पाओगी, आगे और अच्छा बना पाओगी। जी आदरणीय, ये प्रेरणा पाड़िया एसटीएम मैम रूबी अंसार के द्वारा सम्मानित है चित्रकला अच्छा को लेकर। अच्छा चलो बहुत बढ़िया, और आगे और बड़े बड़े सम्मान तुम्हारे हिस्से आए। हाँ अगला सवाल प्रेरणा पाड़िया पूछे कहानी को लेकर, कहानी को लेकर प्रेरणा पाड़िया सवाल पूछे। कहानी भूल गए। जो शिवानी जी थी वो मतलब ये कौन सी नौकरी होती है, मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट वाली? हाँ वो तुम गलत बोल गई बेटा, गोल्ड मेडलिस्ट की नौकरी नहीं होती है, वो गोल्ड अच्छा मेडलिस्ट थी, मतलब उन्होंने जो पढ़ाई की थी ना वो, उसमें उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था अच्छा ना? वो टॉपर थी अपने यहाँ की, तो उन्होंने उसके बाद निश्चित रूप से टॉपर थी तो उनको अच्छी नौकरी मिल गई। अच्छी नौकरी मिल गई तो बच्चों के पीछे, तुम्हारा प्रश्न ये हो सकता था कि उन्होंने बच्चों के लिए नौकरी क्यों छोड़ी, है ना, ये प्रश्न भी हो सकता था। तो जनरली माएं, जब ये पहले हुआ करता था, आजकल की माएं थोड़ी सी अपने दिमाग से दिमाग का इस्तेमाल करती हैं, और जो पुरानी माएं थी हम जैसी, हमने भी अपनी गवर्नमेंट जॉब बच्चों के लिए छोड़ी, तो हम लोग भावना से काम लेते थे कि उन्होंने कहा बच्चा अकेला रहेगा, बच्चों को कौन देखेगा, आया इतने अच्छे से नहीं देखेगी, और बच्चों को हमारी जरूरत है, नौकरी का क्या, वो तो फिर मिल जाएगी। तो इस तरह कई महिलाएं जो हैं वो नौकरी की अपेक्षा बच्चों को ज्यादा महत्व देती हैं। तो हाँ हमेशा इंसान ने बैलेंस बना के रखना चाहिए और आगे का सोचना सोचना चाहिए कि आगे, जी जी क्योंकि बहुत अधिक भावना से अगर हम सोचते हैं तो भी तकलीफ में रहते हैं, और बहुत अधिक दिमाग से हम सोचते हैं तो भी, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, इसलिए हमें ना हाँ बहुत दिमाग और ना बहुत अधिक भावना से सोचना है, दोनों के बीच में बैलेंस हमें बना के रखना है। तो यहाँ पर जब भी आप देखेंगे, यहाँ उन्होंने, शिवानी ने अपने दिल की बात सुनी, दिल और दिमाग दोनों अलग अलग चलते हैं, तो दिल और दिमाग हाँ में जो बैलेंस बना के रखा है ना वो जीवन में सफल होता है। तो ये कहानी एक शिक्षा ये भी देती है कि उनको ये बात पहले ही सोचना चाहिए थी कि बच्चे, जैसे चिड़िया को हम देखते हैं तो चिड़िया के क्या होता है, जब वो बच्चा छोटा होता है, चिड़िया बाहर से उसको खाना लाके बल्कि चोंच से उसके मुंह में डालती है,
लेकिन जैसे ही वो बच्चा उड़ने लायक होता है, वो बच्चा घोंसले से उड़ जाता है, तो वो चिड़िया हाँ लकीर भी पीटती रहती है, हायरे मेरा बेटा कहाँ गया, हायरे मेरा बच्चा कहाँ गया, मेरे को छोड़ के चला गया। तो हमें वो छोटी सी चिड़िया से सीख लेना चाहिए कि बच्चे उड़ना सीख गए, उड़ना सीख गए तो उनको रोक पाना मुश्किल है। ये बात अगर हम दिमाग में पाल लेंगे और उनके सामने इतना बड़ा आकाश है, तो निश्चित रूप से जब सामने इतना बड़ा आकाश दिखेगा तो उड़ने की ललक तो बनी रहेगी। तो उसी तरह बच्चे जब पढ़ लिख जाते हैं, जब उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, तो उनको अपने आप लगता है कि यार जब हमने इतनी अच्छी पढ़ाई करी है तो क्यों ना हम कोई बहुत अच्छी अच्छी से अच्छी नौकरी करें। तो निश्चित रूप से वो अर्थ दोनों वही निकलते कि जिस तरह चिड़िया समझदार होती है, वो स्वीकार कर लेती है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, अब वो उड़ेंगे, मुझसे दूर रहेंगे, वो संतोष कर लेती है। तो वही संतोष जी जी हमें भी करना चाहिए। तो ये कहानी एक सीख ये भी देती है ना। प्रेरणा, अगला सवाल है अपना कोई। प्रेरणा, अगला सवाल। सवाल, ये कहानी मतलब आपने बनाई है या फिर किसी की, आपकी खुद की फैमिली से है? कहानी जीवन से जुड़ी होती है, हालांकि इस कहानी को अगर मैं ये कहूं कि ये किसी को देख के लिखी गई है तो भी सही नहीं है, और किसी को भी नजर में न रख के लिखी गई है तो भी सही नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि इस कहानी का पाठ हमारे यहाँ रविंद्र भवन में हुआ था, इसको स्पेशल ज्यूरी अवार्ड मिला था, और वहां पर पूरे हॉल में ये कहानी पढ़ी गई थी। तो उस दिन इस कहानी की सार्थकता सिद्ध हुई कि कहानी मतलब उस हॉल में मेरे ख्याल से 60% लोग बुजुर्ग थे, और जब जी ये कहानी पढ़े, और पढ़ने वाले ने भी इसको, मेरे बेटे ने ही पढ़ी थी, और उसको इतने भावपूर्ण पढ़ी थी कि हॉल में बैठे हुए अधिकतर बुजुर्ग रो पड़े, और बच्चा पढ़ रहा है और वो बोले जा रहे मेरी कहानी मेरी कहानी, वो आंखों में आंसू ले लेके बोल रही है मेरी कहानी है, ये मेरी कहानी है। तो उस दिन मतलब इसकी एक सार्थकता सिद्ध हुई कि ये कहानी समाज का ही एक अंश है, हालांकि पर्टिकुलर किसी को देख के नहीं लिखी है, लेकिन हम देख रहे हैं आजकल यही हो रहा है, तो एक कहानी हमने बुन ली। लेकिन वहां जब लोगों ने कहा तो समझ में आता है कि ये कहानी यथार्थ से जुड़ी हुई है, जीवन से जुड़ी हुई है, और जो कहानियां जीवन से जुड़ी होती हैं वो ही हमें दिल को छूती है। तो हमेशा कल्पनाओं में लिखा हुआ वो लंबे समय तक जीवित नहीं होता, यथार्थ से जुड़ा हुआ, जो हम जड़ों से जुड़ा हुआ जो लिखते हैं ना, वो लंबे समय तक रहता है ना। जी, बहुत सुंदर। हाँ प्रेरणा, अगला कोई सवाल। चलो नहीं, अब तो पूरे डाउट क्लियर हो गए। हाँ ठीक है, मैं आदरणीय, मेरा सवाल है। जी सर, 1 मिनट, कौन सी क्लास में हो तुम? प्रेरणा 10th। 10th में? बहुत इसका मतलब साहित्य के प्रति रुझान अच्छा लगा मुझे। अच्छा, हाँ आदरणीय, मेरा सवाल है हाँ जी सर। कि डॉक्टर निखिल जब भार्गव जी की पत्नी को देखने गया था, तब मन में नकारात्मकता के भाव क्यों पैदा हो रहे थे डॉक्टर साहब के? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और ये केवल निखिल का सवाल नहीं है, ये निखिल की एज ग्रुप के हर बच्चे का सवाल है। एक तो वो लोग किसी से जुड़े जुड़ना नहीं चाहते, नए व्यक्ति से। हम लोग, हम सर हैं, मैं हूँ, हम लोगों की एज ग्रुप ये थी कि हम किसी से भी बात कर लेते थे, हमें बात करने में कुछ नहीं लगे। हमारे पेरेंट्स भी अगर कहते थे जाओ ये पड़ोस वाली आंटी को ये दे आओ, तो हम चले जाते थे, हम कभी कुछ नहीं कहते थे, क्योंकि हमारे दिमाग में कभी कोई बात ऐसी आती ही नहीं थी कि हम क्यों जाएं, वो हमारे बराबर की थोड़ी है या हम उनको जानते नहीं है। लेकिन आजकल के बच्चों के मन में ये बात है, क्योंकि सबके अपने सर्कल बने हुए हैं, युवा वर्ग का अलग सर्कल है, बच्चों का अलग सर्कल है। आप देखोगे कि कहीं भी बाहर जाना हो, हमें कहीं शादी में जाना हो, तो हमारे बच्चे पहले ही मना कर देते कि हम क्या करेंगे जाके वहां, हमें तो कोई पहचानता नहीं, हम किसी को जानते नहीं है, हमारे साथ का कोई नहीं है। तो आज के बच्चों की ये टेंडेंसी बन गई है कि वो अपने आप में सिमटे रहना चाहते हैं, और उसके पीछे हम उनको भी दोष नहीं दे सकते, क्योंकि आज किताबों का उन पे इतना बर्डन है, पढ़ाई का इतना बर्डन है कि वो बाहर के समाज से जुड़े ही नहीं पाते हैं। और यहाँ मैंने व्यंग भी किया है इस कहानी में कि निखिल के घर से 2-3 घर छोड़ के ही उनका घर है, लेकिन जब उसकी माँ बोलती है कि जो पड़ोस वाले भार्गव जी आए, उन्होंने कहा कौन भार्गव जी,
तो बच्चों का ध्यान कभी रहता नहीं है कि हमारे आस पड़ोस में कौन रहते हैं। और आजकल व्हाट्सएप और फेसबुक में इसमें देश विदेश के लोगों से जुड़ जाएंगे, लेकिन आसपास में कौन रहता है ये जानकारी नहीं रहती है। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है युवाओं का, कि युवा अपने आप में ही सिमटे रहना चाहते हैं, वो पहल नहीं करते हैं कि हमारे पड़ोस में कौन रहता है, जरा देखें, बात करके तो देखें कौन रहता है। उन्होंने कहा हमें क्या लेना देना। तो जो हम लोग बात करते थे विदेशों में होता है कि पड़ोस में कौन रहता है, नहीं पहचानते, वो स्थिति इसीलिए बनी है कि आज के लोगों की, आज के बच्चों की, आज की जनरेशन की सोच ऐसी हो गई है कि होगा कोई पड़ोस में, हमें क्या लेना। हम जहाँ रहते हैं भोपाल में, वहां ये इंद्रपुरी इलाका, यहाँ तो सर पड़ोस में डेथ हो गई, किसी को पता ही नहीं, अकेला आदमी, कोई ये भी नहीं देखता है कि वो आदमी अकेला रहता है तो सुबह शाम कम से कम हेलो हाय तो कर ले, तो पता चले कि आदमी जिंदा है कि नहीं। तो ये घटनाएं आम हो रही हैं, और इसके पीछे कारण ये है कि हमारे युवा जो हैं, युवा वर्ग जो है वो नहीं जुड़ता है, वो अपने आप में मस्त रहता है। तो ये उसका, मेरे ख्याल से बात का जवाब दे पाई। बहुत अच्छा जवाब। अगला सवाल मेरा आदरणीय मिसेज भार्गव, उसके मन में ऐसा क्यों भाव आया कि वो जीना नहीं चाहते थे? सब सर कुछ था मैंने अभी उसके जैसे, पास में। हाँ बिल्कुल सर, अभी इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है कि हम आज के दौर में देखें कोरोना, लोगों के पास इतनी दौलत है, इतनी दौलत है, लेकिन सबकी दौलतें तिजोरी में रखी रह गई और आदमी निकल गया, है जी सर। तो ये बात ये दर्शाती, ये बात ये दर्शाती है कि दौलत सबकी पूर्ति नहीं कर सकती, दौलत से हम सब कुछ नहीं खरीद सकते, कुछ चीजें दौलत से ऊपर भी होती हैं, और वो होती है भावना। जैसा कि मैंने अभी प्रेरणा के सवाल का जवाब दिया कि शिवानी ने भावना से जोड़ा, वो अधिक भावुक थी, और उसके दिमाग में बच्चे के जन्म होते ये बात आ गई कि मुझे तो मेरे बच्चे को देखना है, नौकरी का क्या, उसने नौकरी को गौड़ रखा और बच्चे को प्राथमिकता दी। तो यहाँ पर जब उसने बच्चे को प्राथमिकता दी, और वही जिसके लिए दुनिया छोड़ दी, उसने कहीं आना जाना छोड़ दिया, उसने अपना फ्रेंड सर्कल छोड़ दिया, और जब वही बच्चे को छोड़ गए तो उसकी जो ममता है वो आहत हो गई, और जब ममता आहत होती है तो उसका मन ऊब जाता है कि अब मैं जी के क्या करूंगी, जिन बच्चों के लिए जी रही थी उन बच्चों ने ही मेरी उपेक्षा कर दी अब। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो मैं समाज के पास भी नहीं जा सकती, समाज खुद कहेगा क्यों, तब तो तुमने कभी हम लोगों के साथ जुड़ना उचित नहीं समझा, तुम्हें तो अपने बच्चों की पड़ी रहती थी, तुम तो हमेशा अपने बच्चों का अव्वल देखना चाहती थी, उसी के प्रयास में लगी रहती थी। तो इस तरह की जो बातें हैं, ये नकारात्मक बातें जो ये दिमाग में ऐसी घर कर जाती है, फिर लगता है कि अब जीवन में बचा क्या, तो ये भाव इसीलिए मन में आते हैं। जी। अगला सवाल मेरा यह रहेगा, वर्तमान समाज में क्या महिलाएं अपने बच्चों से सकारात्मक लगाव रखें, प्रेम रखें, तो क्या वो नुकसानदायी साबित हो सकता है? सर हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज की एक जी लिमिट होती है, और जैसे मैंने कहा बैलेंस जरूरी है, कि हाँ जी आप अगर बच्चों को जरूरत से ज्यादा स्नेह करेंगे वो भी घातक है, बच्चों से जी बहुत अधिक अटैचमेंट होना बहुत घातक है आप। और आज के दौर में अगर हम बोले ना कि समय सबसे बड़ी पाठशाला है, तो उस पाठशाला में जी हमें मतलब उस पाठशाला से, अनुभव की पाठशाला से हमने सीखना चाहिए कि बच्चों से बहुत ज्यादा अनुराग आज के दौर में नहीं रखना चाहिए, अपने आप को इस बात के लिए तैयार रखना चाहिए कि ये बच्चे जिस दिन पढ़ लिख कर अपने पैर पे खड़े होंगे उस दिन ये हमसे दूर हो जाएंगे। अगर हम ये मानसिकता रखेंगे तो हमें दुख कम होगा, क्योंकि हम उस विचार के लिए पहले से तैयार हैं। और अगर हम अपना पूरा जीवन उस बच्चों पे न्योछावर कर दे रहे और हम सोच रहे हमारी तो दुनिया यहीं तक है, और जो जी होना है वो तो होना है कि बच्चे जब बड़े होंगे तो वो आपको छोड़ के ही जाएंगे, तो जो आपने अपनी दुनिया वहां तक बना रखी थी तो आपको लगेगा आपकी दुनिया उजड़ गई, तो आप फिर मायूस हो जाओगे और फिर तकलीफ में जाओगे। यह शिवानी का एक प्रमुख कारण तो ये था। और दूसरा, अगर यंग एज होती उस समय तो आदमी को थोड़ा सा ये रहता है मैं ये कर लूंगी, मैं ये कर लूंगी, और वहां पर उम्र के उस पड़ाव पर है कि वहां वैसे भी इंसान थोड़ा सा डल हो जाता है, थोड़ा सा उसकी सोच कमजोर हो जाती है, उसको ऐसा लगता है कि अब
धीरे 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 एक तरह से जीवन उतार की तरफ है और वहीं इतना बड़ा सदमा लग जाता है तो वो निढाल हो जाता है। तो ये स्थिति तब बनती है। तो माता पिता ने बच्चों के साथ प्रेम रखें, उनके साथ सकारात्मक भाव रखें, उनसे जुड़कर रहें, उनके सुख दुख में उनके मित्र बने रहें, लेकिन सिर्फ हमें बच्चों तक ही सीमित रहना है या हमारी जिंदगी केवल बच्चों तक ही है, ऐसी सोच गलत है। ऐसी सोच हमेशा तकलीफ देती है और दुख के अलावा उससे कुछ नहीं मिलता। अंत में पीड़ा ही भोगनी पड़ती है। बिल्कुल, अगला मेरा सवाल है जी शिवानी, जब यूथ सोशल ग्रुप से जुड़ गई थी हाँ उसके बाद तो उसकी जिंदगी बदल गई। बिल्कुल। तो यहाँ पे सर तो जो हाँ जी जी अधिकतर जो वर्तमान परिवेश में अपन देखते हैं कि वृद्ध बुजुर्ग जो है, क्या उनको भी ऐसे सोशल ग्रुप से जुड़ना उनके लिए ठीक साबित होगा? बिल्कुल सर, इस तरह के सोशल ग्रुप बने हुए हैं कि जो निराश हताश जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों को सकारात्मक दिशा देते हैं, उनको उनके दिमाग में जो नेगेटिविटी भरी है उसको निकालने की कोशिश करते हैं। और इस तरह उनके पास काफी सारे इसके टूल्स हैं, उनके पास मनोवैज्ञानिक होते हैं, उनके पास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हंसी हंसी में कोई बड़ी बड़ी बात कह जाते हैं, तो इस वो माहौल को, गंभीर से गंभीर माहौल को भी हल्का करना जानते हैं। तो आज इस तरह के कई सोशल ग्रुप बनाए हुए हैं, ये अलग बात है कि सबको इसकी जानकारी नहीं हो पाती है, लेकिन इस तरह के सोशल ग्रुप बहुत उपयोगी हैं और इनका प्रयोग किया जा सकता है। हालांकि तकनीकी के माध्यम से मैंने इसको जोड़ा है, सबके अलग अलग उद्देश्य होते हैं, मैंने इसको तकनीकी लिए, तकनीकी का ये बहुत अच्छा माध्यम नहीं है क्योंकि आज लोग जिस तरह तकनीकी का प्रयोग कर रहे हैं गलत तरीका, तो हम उसकी तरफ नहीं जाना चाहते हैं। हम तो तकनीकी का जो अच्छा सकारात्मक प्रभाव है हम वही समाज को दिखाना चाहते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव है कि जो भी लोग जीवन से निराश हैं, हताश हैं, उनको इस तरह के सोशल ग्रुप से जोड़ दिया जाना चाहिए तो उनको जीवन में एक नई दिशा मिलती है। और मुझे लगता बहुत है अच्छा संदेश। हाँ, अब मेरा अगला सवाल है कि हमारे जो बाल कहानीकार हैं ये कहानी लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखें, कैसी कहानियां लिखें, थोड़ा आप जानकारी दीजिए। इस संबंध में सर मेरे विचार शायद आपको अन्य लोगों से थोड़े से अलग लगेंगे क्योंकि बाल साहित्य में भी लिखती हूँ, बाल कहानी भी लिखती हूँ, कविताएं भी लिखती हूँ, बच्चों के लिए नाटक भी लिखे हैं मैंने, तो मेरा सोच थोड़ा सा अलग है। जनरली मैं देखती हूँ कि चिड़िया, कौआ, तोता, मैना, इनके माध्यम से जो कहानी बच्चों के लिए लिखी जाती है, ये प्राचीन पैटर्न है, पंचतंत्र वगैरह में हमने देखा है। तो मेरा मानना जनरली सब कई वरिष्ठ बाल साहित्यकार ऐसा ही मानते हैं कि बच्चों को इस माध्यम से बात कहनी चाहिए, लेकिन और कल्पना का उनके विषय जो होते हैं वो काल्पनिक होते हैं, लेकिन मेरी सोच ऐसी है कि आज के जो बच्चे हैं उनका स्तर काफी ऊपर हो गया है, हम जो सोच रहे हैं उससे बच्चों का स्तर काफी ऊपर है। आप देखेंगे कि 3 साल का बच्चा भी इतनी चीजें जानता है और उसकी बोलचाल, उसकी भाषा अपने आप में इतनी परिपक्व है कि अगर हम वहां पे हम चिड़िया तोते के माध्यम से या वहां हम तोतली भाषा में बात करते हैं तो वो बच्चे को रुझान आकर्षित नहीं कर पाता है। और बच्चे जिस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हैं, हमारी कोशिश होना चाहिए कि हमारी कहानियों के माध्यम से हम उन समस्याओं को लेकर उसके निदान बताएं ताकि बच्चों को लगे कि जैसे तुमने कहा कि ये मैंने अभी आपको बताया कि ये कहानी जब पाठ हो रही थी तो कई बुजुर्गों ने कहा ये हमारी बात है, और ऐसे ही क्यों उनको रुचिकर लगी, उनकी बात थी इसलिए उनको रुचिकर लगी, बच्चे भी वही कहानी पढ़ेंगे जिसमें उनको लगेगा कि उनकी बात की गई है, जो वो सोचते हैं, जिन चीजों जिन समस्याओं से वो जूझ रहे हैं वो सर 2016 में मैंने कहानी लिखी थी गुड टच बैड टच,
ये उस समय पहली जी कहानी लिखी गई थी और इसको फर्स्ट प्राइज भी, निर्णायकों ने कहा कि एक नजर में हमारे लिए ये फर्स्ट प्राइज ही वो है। और वहां कुछ लोगों ने बात भी की कि इस तरह की कहानी बच्चों को बात देनी चाहिए, मतलब उन्होंने प्रश्न उठाया कि इस तरह की जी कहानी बच्चों को बताना चाहिए। मैंने कहा बच्चे जिस चीज को फेस कर रहे हैं उनको पता तो चले कि कोई टीचर या स्कूल का कोई व्यक्ति उनको गलत टच कर रहा है, तो उसका उसकी समस्या को लेके वो किसके पास जाएं, वो बात हम अपनी कहानी में बताएं। तो इस तरह की कहानी बच्चों को तो मैं सर जितनी भी कहानी बाल साहित्य को लेके लिखती हूँ उनके यथार्थ जीवन पे लेकर लिखती हूँ, और यही कारण है कि मेरी अधिकतर बाल कहानियां पुरस्कृत हुई हैं। मैं लिखती भी कम हूँ बाल कहानी और वो जी समस्याओं को जी लेकर लिखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत बहुत बच्चों की बात को दूर तक पहुंचाना चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद आदरणीय। अब मेरा अगला सवाल है कि आप पाती समूह से जुड़े हुए हो, जी पाती समूह में अब तक आपका क्या अनुभव रहा है, कौन कौन सी प्रतियोगिताओं में आपने पत्र लिखे हैं, हमें जानकारी दीजिए। सर, पाती ग्रुप में हमारा सौभाग्य कि आदरणीय नेगी सर के साथ हम जुड़े हैं, और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अब तक जितने भी संकलन निकले हैं सभी संकलनों में मेरी पाती जी आई है, और कई संकलन में तो दो से तीन तीन पातियां मेरी उसमें शामिल की गई हैं। अभी जी माता पिता का बच्चों में उसमें तो तीन थी मेरी, तीन पत्र थे मेरे, तो ये नेगी जी ने हमें जी जोड़ा और इसके लिए मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और वो हमें मौका देते हैं। हालांकि मैंने, मेरी जी उनसे इस बारे में चर्चा हो चुकी है कि मैंने सर कम से कम 125 पत्र लिख रखे हैं मेरे, जी वो संग्रह मतलब एक जी संग्रह पांडुलिपि बना रखी है। सर से भी मेरी इस बारे में चर्चा हुई थी और सर जब नया विषय देते हैं तो मैं जुट जाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि हम एक नए विषय पर फिर से अपनी बात लिखेंगे। तो ये एक लुप्त तो होती विधा, जो पत्र विधा थी वो एक लुप्त तो होती विधा है, और इस विधा को सर ने सामने लाए हैं, तो कम से कम भले ही पत्र विधा आज न चले और चल रही है वो एक कार्ड के रूप में या लिफाफे के रूप में भले ही नहीं चल रही है, लेकिन व्हाट्सएप के रूप में चल रही है, मेल के माध्यम से चल रही है। हम मेल के माध्यम से पत्र लिख देते हैं, हम व्हाट्सएप के माध्यम से पत्र लिख देते हैं, तो पत्र विधा जीवित तो है, उसका स्वरूप थोड़ा सा टेक्निकल हो गया है। तो हाँ पत्र विधा अपने आप में जी इतनी, मैं ये मानती हूँ कि पत्र विधा इतनी अच्छी है कि आज भी मैं उसको तकनीकी से ऊपर रखती हूँ कि ये तो लिया और कभी हमारी मेमोरी फुल हो गई तो हम उसको डिलीट मार देते हैं, लेकिन कई पुराने पत्र हमने अपने प्रियजनों के सहेज के रखे हैं, और जब भी कभी एकांत में हम बैठे हैं या हमारे दिमाग में उनकी स्मृति, वो हमारे बीच में नहीं है और उनकी स्मृति हमारे, तो हम अगर उनका लिखा हुआ पत्र उठाकर पढ़ते हैं तो वो खाली पत्र नहीं होता, जैसे ही हम पत्र उठाते हैं तो लिखने वाले का चेहरा अपने आप हमारे को ऐसा लगता है कि वो कागज पर उनका चेहरा अंकित हो गया है। और जो शब्द होते हैं उन जी शब्दों को, उनको मैं महज शब्द नहीं मानती हूँ, कि उन शब्दों को ऐसा लगता है कि हम उस शब्दों से जैसे गुजरते हैं, हम उनकी उंगली पकड़ के वो गलियों से गुजर रहे हैं जो वो हमसे कह रहे थे। तो इस तरह की चीजें हमें जो दिल में बड़ा सुकून देती हैं, तो ये अपने आप में जो कागज में जो पत्र लिखने की विधा है वो आज भी मैं तकनीकी से ऊपर रखती हूँ कि उसकी अनुभूति, उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई तोड़ नहीं है, कि वो जो अनुभूति हमको होती है एक अविस्मरणीय और कहना चाहिए एक सुखद अनुभूति है, कि जो हमें निराशा के पल में भी हमें आशा का संचार करती है, हमें उत्साह जगाती है। तो इस तरह के पत्रों का बहुत महत्व है, और सर ने जो ये संकलन निकाले हैं भले ही जी कागजों पर लिखने वाले पत्र बंद हो जाए, जी लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए ये संग्रह एक मील का पत्थर साबित होंगे कि कभी अतीत में इस तरह पत्र लिखे जाते थे, तो बच्चे उनको सीखेंगे। और कुछ कह नहीं सकते कि वक्त का पहिया है, घूमता रहता है, हो सकता है फिर से वो जमाना आ जाए कागजों का और फिर से पत्र लिखना शुरू हो जाए, तो कम से कम बच्चों को ये संग्रह प्रेरणा देंगे, उनको लिखने की सीख देंगे कि पत्र कभी हुआ करते थे और ऐसे हुआ करते थे। तो हाँ ये मैम इसके बिल्कुल बहुत बहुत सर को साधुवाद। जी, आदरणीय बहुत बहुत साधुवाद। अंत में मेरा एक सवाल है, जी सर,
कि आपकी जो कहानी है ये वर्तमान समाज को क्या संदेश दे सकती है? सर वर्तमान कहानी, वर्तमान युवा पीढ़ी जो है, जी कहानी सर जो भी होती है वो एक तरह से प्याज के छिलके की तरह, उसको जितना निकालते जाएंगे उतने जी उसके परतें निकलती जाती है। तो इस कहानी के माध्यम से भी कई सारी बातें सामने आती हैं। सबसे पहले तो निखिल की बात जो आपने कहा कि वो पड़ोसी के यहाँ क्यों नहीं जाना चाहता था, मैंने आपको बताया कि ये बच्चे जो हैं अपने आप में सिमटे रहते हैं। जी तो एक तो ये समस्या है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ही आने वाले भविष्य की कर्णधार हैं। हम ये मानते हैं माता पिता बड़ा बड़ा मकान बना के रख लेते हैं कि हमारे बच्चे रहेंगे, हमारे नाती पोते रहेंगे। पहले कहावत हुआ करती थी हमारे देश में कि दादा ले पोता बरते, तो हर चीज ऐसी खरीदी जाती थी घर जी में कि आने वाली 2-3 पीढ़ियों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है। आज तो समस्या यहाँ आ गई कि आने वाली अगली पीढ़ी भी वहां साथ में रहती है कि नहीं, ये समस्या हाँ सामने जी खड़ी सर, है। तो इसलिए हमारी युवा पीढ़ी को ये जानना बहुत जरूरी है कि वो चाहे देश भी, वो एक कहावत है ना कि पा जाइए देश विदेश में चाहे जितना मान, जब तक निज भाषा नहीं व्यर्थ सभी सम्मान। तो जब तक आप अपने आस पड़ोस को नहीं पहचानोगे, आप जहाँ रह रहे हो उस वातावरण में उन लोगों को नहीं पहचानोगे, तो आपका तो विदेशों का ज्ञान भी बेकार है। हाँ जी, परिवेश आप सबसे और की ज्ञान की जानकारी शुरुआत, तो जी जी तो अपने कम से कम ज्ञान की शुरुआत अपनी जड़ों से तो करो, अपनी जड़ों को तो पहचानो। आज के बच्चों को अपने कहना चाहिए कि परदादा परनानी इन्हीं के नाम नहीं पता रहते हैं। तो एक ये बहुत जी बड़ा सवाल है उसमें कि युवा पीढ़ी के लिए संदेश है कि कम से कम वो अपने आसपास की जानकारी रखें। दूसरी बात है शिवानी जैसे पात्र आज हमारे समाज में हमें हर एक दो घर छोड़ के मिल जाएंगे, शिवानी जैसे पात्र कि जिन्होंने अपने बच्चों के लिए चाहे किसी भी तरह की कुर्बानी दी हो। जरूरी नहीं है कि हर माँ नौकरी की कुर्बानी दे, कई माएं बिचारी उनकी ख्वाहिश थी कि मैं संगीत सीखूं या मैं पेंटिंग सीखूं, उन्होंने कहा नहीं बच्चों को पढ़ाना है, इतने पैसे नहीं है, चलो अपनी खुशी को गोली मारो, बच्चों को आगे बढ़ाओ। तो कई माताएं अपनी जी कुर्बानियां देती हैं। तो इन माताओं को ये सीख है कि आप अपना बैलेंस, अपनी इतनी कुर्बानी मत दो कि आप एक समय आए और जब आप अपने आप को तलाशने जाओ तो आपको कुछ भी नहीं मिले खुद में कि अरे मुझे तो ये भी आता था, ये भी आता था, ये मगर मैंने कुछ किया ही नहीं, अब तो सब भूल गई, अब मैं क्या करूं। जैसे शिवानी उस दौर में आके बोलती कि अब मैं क्या करूं। तो इस तरह अपने आप को जी माए जिलाकर रखें, बच्चों को पढ़ा रही है ठीक है, बच्चों के लिए अपना फर्ज निभाएं, लेकिन अपने आप को जिंदा रखें। तो क्योंकि जीवन किस करवट बैठता है आने वाले समय में, आपके बच्चे की क्या बाध्यता है, क्या उसे नौकरी में बाहर जाना पड़ सकता है या हो सकता है। मैंने तो कई ऐसे बच्चे देखे हैं कि उसी शहर में रह रहे हैं लेकिन अलग रह रहे हैं। तो इस तरह अगर बच्चे भविष्य में कहीं हमें छोड़ के जा सकते हैं तो हम इतने निराशा के गर्त में न गिरें। तो हम अपने पास एक दो हथियार रखें, ये वक्त की मांग है कि हम अपने आप को बिल्कुल खाली जी नहीं जी करें। आने वाले समय के लिए अपने अपने लिए कुछ रखें, जिस तरह कहते हैं कि पिताओं के लिए लोग कहते हैं कि अपना थोड़ा सा बैंक बैलेंस रखना चाहिए, सब कुछ बच्चों को नहीं देना चाहिए, इसी तरह माएं जी भी अपनी जिंदगी के कुछ हुनर अपने हाथ में रखें कि जब सब बच्चे अपने आप में व्यस्त हो जाएं तो वो अपने हुनर के माध्यम से खुद को जिंदा रखें। तो एक ये शर्त भी उसमें निकलती है। तीसरा है पड़ोसी धर्म की, निखिल की माँ की संवेदनाएं बराबर जुड़ी हैं अपने आसपास से, तो ये बताता है कि हमारा जो अपेक्षाकृत पुराना वर्ग है उसका जुड़ाव अपने आसपास से ज्यादा था, बशर्ते आज की पीढ़ी की अपेक्षा। तीसरी बात तकनीकी का जी प्रयोग, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तकनीकी का प्रयोग जनरली हम दिखाते हैं कि हमारे देश में उन्होंने कहा कि मोबाइल के माध्यम से ये फ्रॉड कर लिया, वो पैसे निकाल लिए, उसकी उन्होंने कहा उसका SMS बना लिया, इस तरह के नकारात्मक जो प्रभाव तकनीकी के बताते हैं, वहां मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि तकनीकी के अच्छे प्रभाव भी हैं, उसे हमें प्रयोग में लाना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगी कि इस तरह मुझे भी बचपन में पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन मेरे हालात ऐसे नहीं थे कि मैं कभी जी पेंटिंग कर पाती, लेकिन अब ये कोरोना काल में, पिछले कोरोना काल से ही मैंने शुरू किया, तो ब्रश तक मैंने हाथ में नहीं उठाया था, लेकिन मैं धन्यवाद देती हूँ हमारी तकनीकी को कि YouTube में सब चीज उपलब्ध है, वहां हमने देख के हमारी इतनी सारी पेंटिंग बना ली।
हमें कुछ खाने का बनाना है, हम फौरन नहीं आता है, हम फौरन यूट्यूब खोलते और बन जाता है। तो तकनीकी के अच्छे प्रभाव भी हैं, हमें लोगों को वो दिखाना है। तो इस कहानी के माध्यम से मैंने ये भी दिखाने का प्रयास किया है। और चौथी बात वो बच्चों के लिए कि जो पेरेंट्स के प्रति जो उनके किए हुए फर्ज को नजरअंदाज कर देते हैं, ऐसे कृतघ्न बच्चों के लिए भी ये शिक्षा है कि वो अपने जन्म देने वाले माँ बाप को किस हालात में डाल देते हैं। और ये बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि आपकी सारी शिक्षा बेकार है अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं कर पा रहे। तो आपने चाहे कितनी उच्च शिक्षा ले ली हो, आपकी शिक्षा बेकार है। तो इस तरह और जैसे हम निकालते प्याज के छिलके, ऐसे कई सारे बिंदु निकल सकते हैं कहानी के। आदरणीय, बहुत अच्छा संदेश दिया आपने। आपने आज समय दिया और प्रेरणा पहाड़िया ने भी समय निकाला। मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद। जन सरोकार मंच टोंक एवं साहित्य मंच टोडा राइजिंग द्वारा आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। आपको सभी को बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद। सर मेरी ओर से भी जन सरोकार मंच को बहुत बहुत नमन, आपको नमन कि आपने मेरी कहानी को पे चर्चा की। और तीसरी बात, प्रेरणा ने बहुत अच्छे तरीके से, मतलब मैं देख रही थी कि उन्होंने कहानी को समझा है कि पूरी बातें, कहानी के पूरे बिंदु आपने उसके सार के रूप में पूरी बातें बोली। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि आपने कहानी को केवल रटा या पढ़ा नहीं है, उसको समझा है। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आगे इसी तरह लिखो और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे जिस बिंदु पर मैंने कहानी छोड़ी है वहां से तुम उसको आगे बढ़ाओ और मुझे बताओ कि मैंने ये कहानी लिखी है। जो भी तुम्हारे मन में भाव आता है तो उसको बराबर लिखो तुम, तो और अच्छी कहानी बनेगी, है ना। तो बहुत बहुत आभार सर। जी जी, नाइस टू मीट यू। आपका भी नमस्कार सर। हाँ प्रेरणा, क्या कहना चाहती हो? प्रेरणा क्या कहना चाहती हो? मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगता है हमारी नई पीढ़ी इस तरह साहित्य से जुड़ती है ना, तो बहुत बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती है। बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद। अच्छा पढ़ो और अच्छे इंसान। धन्यवाद सर। थैंक यू।